आप सभी को दस की प्यार भाई नमस्कार और धन्यवाद संत महापुरुषों जी। एक बात हमेशा याद रखना कि ये समस्त जग का रचने वाला निरंकार, ये कण कण में जर्रे जर्रे में रमा राम, कभी भी कच्चे भक्तों की परीक्षा नहीं लेता, ये हमेशा लेता है रचे हुए महात्माओं की परीक्षा। राजा हरिचंद, मोर ध्वज और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जैसे हम जैसे तुच्छ जीवों की ये कभी भी परीक्षा नहीं लेता। और कहते हैं कि जब ये परीक्षा लेता है ना, तो इस तरह से परीक्षा लेता है कि या तो ये अमीर से बिल्कुल कंगाल बना देता है, या कंगाल को बहुत अमीर बना देता है, या कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिसे करना किसी साधारण भक्त के बस की बात बिल्कुल भी नहीं होती। और अगली बात यह है कि जब ये परीक्षा लेता है ना, तो अकारण ही नहीं लेता, इनकी परीक्षा के पीछे छुपा होता है कोई बहुत बड़ा कारण। भाई अवतार सिंह जी, जिन्हें हम सब शहनशाह जी के नाम से जानते हैं, संत निरंकारी मिशन के दूसरे सतगुरु, जब इनकी परीक्षा बाबा बूटा सिंह जी ने ली, तो दोनों तरह से ली, इन्हें गरीब भी बनाया और अमीर भी बनाया। अमीर इसलिए बना देता है कि ये देखता है कि कहीं दौलत की चमक धमक में आकर के ये मेरा भक्त कहीं अभिमान तो नहीं कर बैठेगा, मुझे भूल तो नहीं जाएगा। और गरीबी देता है इसलिए कि कहीं गरीबी में आकर ये टूट तो नहीं जाएगा, अपनी गरीबी के विषय में मुझसे कोई शिकवा कोई शिकायत तो नहीं करेगा। यही होती है एक भक्त की परीक्षा। तो इस वीडियो में भाई अवतार सिंह जी, जो बाद में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के नाम से जाने गए, उनकी परीक्षाएं किस तरह ली बाबा बूटा सिंह जी ने, इस वीडियो में आइए, इस पर हम एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। बात उन दिनों की है जब भाई अवतार सिंह जी के बार बार अनुरोध करने पर सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज अपनी पत्नी और अपनी सास के साथ इनके घर पर आकर रहने लगे। एक दिन बाबा अवतार सिंह जी ने बाबा जी से विनती करते हुए कहा, बाबा जी घर पर तमाम महापुरुष आते हैं, घर में धन का अभाव है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस आरंभ कर दूं ताकि पैसे आने लगे और संतों महापुरुषों की अच्छे से सेवा हो सके। बाबा जी ने कहा ठीक है, बिजनेस आरंभ कर दो। और फिर बिजनेस आरंभ हो गया। पहले तो व्यापार इतना चमका, इतना बढ़ा कि घरों में नोटों के ढेर लगने आरंभ हो गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ, तातार की ऐसी लीला हुई कि बिजनेस में घाटा होना आरंभ हो गया। वस्तु के दाम इतने घट गए कि उस घाटे को पूरा करने के लिए इन्हें घर के जेवर तक बेचने पड़े, अपना मकान तक बेचना पड़ा। और जब स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो गई तो फिर लोगों के और रिश्तेदारों के ताने इन पर पड़ना आरंभ हो गए। बूटा सिंह जी को अपने घर पर रखने की क्या आवश्यकता है, जबकि अपने बच्चों को ही भूखे सोना पड़ रहा है, तमाम पदार्थ उन्हें नहीं मिल रहे हैं, इसके बाद ऐसी संत सेवा करने से क्या फायदा। कोई इनकी पत्नी को ताने देते हुए कहता, बुद्धा ऐसा कर अपने बच्चों को गुरुद्वारे में भेज दे, फिर तू और तेरा पति दोनों अपने गुरु की सेवा करते रहना। और इस तरह के ताने लोग इन्हें इनके मुंह पर भी देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। परंतु भाई अवतार सिंह की सेवा और उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा इन तानों से ना डोलायमान होने वाली थी और ना हुई। वे तो उल्टा अपने रिश्तेदारों को समझाते हुए कहते कि भैया ये तो मेरे गुरु की ही कृपा है, ये तो मेरे गुरु का ही असर है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम एक रस हैं और एक ही रंग में हैं। परंतु दुनिया वाले इस आध्यात्मिकता के रंग को क्या जाने। धीरे धीरे ये ताने लोगों के बाबा बूटा सिंह जी के कानों में भी जब पड़ने शुरू हुए, तो एक दिन बाबा बूटा सिंह जी अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ को लेकर इनके घर से जाने के लिए तैयार हो गए। भाई अवतार सिंह जी को जब इस बात का पता चला कि उनके गुरु अपना सामान बांधकर उनके घर से जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो दौड़े दौड़े आए, उनके चरणों पर लेट पड़े, उनके चरणों को अपने आंसू से धोते हुए रोते रोते उन्होंने कहा, हे दीनदयाल कृपालु सतगुरु, आप बिना इस जहां में मेरा कौन है, आपकी सेवा और दर्शन ही मेरी पूंजी और शक्ति है। यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई भूल चूक हो गई हो अथवा सेवा में कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर दें, परंतु आपका इस प्रकार जाना मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग करने के समान है। गुरसिख का प्यार और तड़फ देखकर बाबा जी ने अवतार सिंह जी को अपने सीने से लगाया और वरदान देते हुए कहा, अवतार सिंह तू धन्य है, तू तो बूटा का भी गुरु है, एक दिन तू लाखों हृदयों पर राज करेगा। इस प्रकार परीक्षा समाप्त हो गई और बुरे दिन बीतने आरंभ हो गए।
घर का माहौल ठीक होने लगा, आमदनी बढ़ने लगी और घर में पुनः स्थापित हो गया सत्संग, सेवा और सिमरन का वातावरण। इस प्रकार सतगुरु ने अपने प्यारे भक्त को जो आशीर्वाद दिया, जो वरदान दिया, आगे चलकर वो फलीभूत हुआ और हम सब जानते हैं कि आगे चलकर वही अवतार सिंह जी बने नंकारी मिशन के दूसरे सतगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज। ये अनमोल जानकारी आपके चरणों में रखने के बाद दास आपसे उम्मीद करेगा कि आप एक कमेंट जरूर करें, इसे लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक सत्संगत तक शेयर करने की भी कृपा करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की अनमोल जानकारियां आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी को दास की प्यार में नमस्कार और धन्यवाद संत महापुरुषों जी।